आज हमने दीदी को बुलाया अर्बन ट्रैप से, लेटना पड़ेगा। पहले दीदी स्क्रब लगा रहे भैया के नोज पे, इससे जितने भैया के बोर्ड्स हैं वो सब साफ हो जाएंगे छोटे छोटे। गाइस भैया कैसे रिलैक्स कर रहा है। दीदी आपको लग रहा है मैं ही ज्यादा रिएक्शन दे रही थी, लोग कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे। दिया दिया। क्लीनिंग के सेशन के बाद भैया की आंखों का दर्द आपको दिख ही रहा होगा। साढ़े 10 बज गए एंड मम्मी पापा जा रहे हैं, करोल बाग जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। एक्चुअली बीएल कपूर हॉस्पिटल जाना है उनको, हमारे भैया हैं उनका ऑपरेशन है, तो उनको छोड़ के आता हूँ मेट्रो स्टेशन। कोई घर से बाहर जाए ना तो ये अलग एक्साइटेड रहता नहीं हो भाई। बाहर ना बारिश हो रही है सही वाली, मतलब यहाँ इस साइड तो कम होती है ना बारिश, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज्यादा तेज नहीं हो रही, हल्की हल्की बूंदाबांदी टाइप्स हो रही है, शीशे में दिख रहा होगा आपको। यस चलो गाइस, मम्मी पापा को छोड़ दिया, हम भी चलते हैं घर वापस। 10:30 हो गया, हमने डिवाइडर है हमें क्रॉस करना है, एंड आगे वाली रेड लाइट का जाम यहाँ तक है भाई, ये तो पता नहीं क्रॉस कर भी पाएंगे या नहीं। गाइस देखो बारिश से भीगी हुई सड़क मेरे को तो काफ़ी पसंद है, धीरे धीरे चलो, मतलब बारिश की ना मौसम में ड्राइव करना है, मतलब बहुत मज़ा आता है। तो ये हाईवे में जाना होता ना तो और मज़ा आता है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज गए 11:30 एंड हम कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि आज बना है ब्रेकफास्ट में आखिरी पास्ता। मम्मा मिया का है पास्ता। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। और ये है कोमल भालू की ड्रेस में, और नियो ने कर लिया नाश्ता, ये तो ऐसे सोया था। ओके चलो हम बैठ जाते हैं यहाँ पे, यहीं बैठ के करेंगे, टीवी देखेंगे साथ में थोड़ा। ओके सो गाइस, ये लग गया अपना क्रीमी मशरूम पास्ता, लग गया अपनी प्लेट, ठीक है। ये है वाइट सॉस मशरूम पास्ता, साथ में थोड़ा सा ऑमलेट है एंड 2 ब्रेड एंड मस्त। अभी ब्रेकफास्ट करते हुए टीवी देखते हैं थोड़ी देर। यार तू ऐसे, तू ये इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने आई है, है? ये नहीं कि थोड़ी देर आप भैया भाभी के पास बैठे, चला जा। तुम लोग टीवी देख रहे थे लेट। भैया हमें 1 घंटा हो टीवी बंद किए हुए, और एक कुत्ता आके खेल रहा था, मर जाता तेरे को बेड में। नियो चलो कुछ क्रिएटिव करते हैं, कोई प्रोडक्टिव आ क्या। सुबह शाम के 6 बज गए हम थोड़ा ऑफिस में व्यस्त हो गए थे, ठीक है। एंड मम्मी पापा ना आपको बताया था मैंने, वहाँ गए हैं करोल बाग गए हैं, क्योंकि अपने भैया हैं जीवन भैया, तो उनका ऑपरेशन था, बट उनका ऑपरेशन अभी नहीं 2 दिन बाद है, तो मम्मी पापा वहीं स्टे कर रहे हैं, मतलब भैया भाभी के वहीं स्टे कर रहे हैं, तो वो लोग कल आएंगे, ठीक है। तो अभी चलते अपन, देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कोमल और रिच्चू क्या कर रहे हैं। ओके एक्चुअली ना ये लोग अर्बन क्लैब से बुला रखा है इन्हें, हेयर उनका वो चल रहा है। सो गाइस ये रही अपनी चाय, अभी चाय पीने वाले, बस इतना डाल रहा, ज़्यादा मत भरो कब, ठीक है। साथ में हम खाएंगे जिम जैम बिस्किट्स। आज हमने दीदी को बुलाया अर्बन ट्रैप से, लेटना पड़ेगा, बट अब भैया करवा रहा है अपनी नाक की स्क्रबिंग, और देखते हैं वो कैसा होता है, और भैया को होता है कितना दर्द। ए कोमल रिचू ऊपर चढ़ गया, नियो नियो को भी करानी है अपनी वैक्सिंग, है ना नियो, ठीक है लेट्स गो। पहले दीदी स्क्रब लगा रही है भैया के नोज पे, इससे जितने भैया के बोर्ड्स हैं वो सब साफ हो जाएंगे छोटे छोटे, है ना नियो, थम्स अप। ओके थम्स अप। गाइस भैया कैसे रिलैक्स कर रहा है अपने नोज स्क्रब करा के, क्या आपको लगता है कि नियो को भी, नियो की नोज को भी स्क्रबिंग की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो थम्स अप करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। भैया क्या तुझे मज़ा आ रहा है, थम्स अप कर, अगर तुझे मज़ा आ रहा है थम्स अप कर। भैया के अब नाक पे लगने वाली है ब्लैक हेड रिमूवर पिन, जो दीदी अभी लगाने वाली है इन 3, 2, 1। होगा चिमटा ऐसा होगा ना,
हाँ, ये तेरे पोर्स ओपन करने के लिए फॉर द पेन इन वन टू थ्री टू मैं रिएक्शन नहीं दे रहा. ओ अभी तो बड़ा वाला निकल रहा है ब्लैक हेड. ओ आ गया हो गया बाहर निकल गया. दीदी आपको चला रहा कि मैं ही ज्यादा रिएक्शन दे रही थी और लोग कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे. हाँ दिया दिया. देखो गाइस भैया की अभी ब्लैक हेड रिमूवर क्रीम निकल रही है पिन से. क्या दर्द हुआ? आंसू आ गया. दीदी के क्लीनिंग के सेशन के बाद भैया की आंखों का दर्द आपको दिख ही रहा होगा. कैसा था भैया तेरा एक्सपीरियंस? दर्द हुआ नहीं कैसा. नाउ यू नो व्हाट गर्ल्स हैव टू गो थ्रू. तो गाइस मेरे ना बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हो गए थे तो वो आ रखे थे अर्बन क्लैब से. मैंने पूछा आप कर दोगे? उन्होंने बोला हाँ कर देंगे. तो मैंने रिमूव करा लिया. थोड़ा सा दर्द भी हुआ बट चलो इट्स वर्थ इट. अभी हो गया क्लीन ठीक है. एंड गाइस ऑफिस करने में ही आज ऑफिस में हम लोग बिजी हैं. अभी ऑफिस अभी और है तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे. सीधे डिनर टाइम में मिलेंगे ठीक है. तब तक मैंने रिचू को बोल दिया कि तू जाके नियो घुमा के ले अभी, क्योंकि भाई हम तो शाम को वैसे भी इस टाइम पे पापा ले जाते हैं या रिचू या कोमल इनमें से कोई ले जाता है. तो मम्मी पापा है नहीं आज तो रिचू ले जा लेगी नियो को बाहर. आज भी ना शादी है बाहर और इतनी तेज आवाज आ रही ना. देखो अभी खिड़की बंद है ठीक है. अभी देखना खोलते हैं आवाज. ये देखो देखा ये देखो शादी हो रही है भाई. हम तो आगे अंदर चलो दरवाजे बंद करते हैं. जितनी कम से कम साउंड आए उतना बेटर है, क्योंकि ना थोड़ी देर में मेरी एक मीटिंग है इम्पोर्टेंट यार. थोड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसमें आवाज़ जाएगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा. चलो जो भी देखते हैं कल कर लेते हैं डिनर उससे पहले, नहीं तो डिनर बहुत लेट हो जाएगा अपना. ओके चल के देखते हैं क्या बनाया लोगों ने डिनर में आज. मोल ने बनाया एक स्पेशल चिकन आज एंड साथ में जीरा राइस. कोई क्या चिकन का नाम क्या है पता है? नहीं पता ये रेसिपी भी, लेकिन इंस्टाग्राम से उठाई है. मतलब मैंने एक रील भेजी थी इसको तो उसमें एक बड़ा अच्छा चिकन दिख रहा था. मैंने कहा टेस्टी लग रहा था तो बना दो. तुमने बना दिया एंड ये देखो काफ़ी अच्छा लग दिख रहा है देखने में. एंड ये वाला चिकन ना कुकर में बनता है, कुकर वाला है. ओके बहुत अच्छा दिख रहा है. चलो प्लेट में डाल के देखते हैं कैसे दिखेगा. लग गई अपनी प्लेट. एंड ये वाला जो चिकन है ना ये राइस के साथ ही खाया जाता है, इसलिए राइस खा रहे हम रात में. एंड साथ में अपना सिक्के वाला प्याज निकाल भी दे, निकाल के दे दे अच्छे से निकाल के सर्व कर. हाँ अच्छा मुँह बनाओ जल्दी, अच्छा मुँह बनाओ. चलो गाइस डिनर वगैरह कर लेते हैं ठीक है. उसके बाद ऑफिस की मीटिंग भी है तो वो भी देखनी है अपने को. तो फटाफट डिनर कर लेते हैं, थोड़ी देर टीवी भी देख लेंगे. ठीक है गाइस भाई यहाँ आके बैठ गया, डर गया है. बाहर पटाखे फूट रहे थे ना, अच्छा डर गया मेरा. क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ. अब तो बंद भी हो गए, दो पटाखे फूटे के डर गया तो दो पटाखों में. क्या यार कैसे हीरो कैसे बनेगा तू? क्या हीरो बनेगा रे तू? चल आ जा. सो गाइस रात के बज गए 12 एंड मेरी बज गए 12. बहुत तेज नींद आ रही है. व्लॉग वगैरह एडिट करके डाल दिया एंड आज ऑफिस में ना थोड़ा लेट हो गया मेरे को तो इसलिए अपने को. वैसे सोने में तो रोज डेली इतना टाइम हो जाता है बट आज ऑफिस भी था काफ़ी अच्छा. चलो गाइस फिलहाल करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म. कल की वीडियो में ट्राई करूँगा कुछ एक्साइटिंग लेके आने का आपके लिए. ठीक है ठीक है गाइस. सो गाइस मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में. तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, देखते रहिए पीयूष के व्लॉग्स. मैं ही डाल दूंगा.